देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी घर पार्टी थोड़ा ही मानसून लौट के आने वाले स्टार्ट वेलकम फैसले चैनल अभी वन और गाइस आज 26 ऑफ जैन और आज गणतंत्र दिवस और जी आप बोल सकते हो रिपब्लिक डे और अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहा है और आज हम जाने वाले हैं संतला देवी क्योंकि एक टेम्पल है और ये पड़ता है जी गढ़ी कैंट में और जी वहाँ जाएंगे और मेरे साथ जो जाएंगे वो है जी देवस्थली ग्रुप की सारे मेंबर्स जो जिनको आपने देखा होगा मेरे टीवी वाले ब्लॉग में मेरे ऋषिकेश वाले ब्लॉग में और बहुत सारे जो हमने डांस परफॉर्मेंस किए उसमें। तो चलते हैं जी फटक से और देखो आज का मौसम बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है और आज हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। क्या मस्ती करेंगे वो अभी नहीं बताऊंगा, मुझे तो पता है कि क्या क्या होने वाला है लेकिन आपको भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना बनता है ना। तो फिर वहाँ चलते हैं और फिर दिखाता हूँ क्या क्या होता है और मज़े आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े। तो अगर आप नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो और बैठ जाओ जी एकदम दिल थाम के। और अभी वैसे परेड ग्राउंड में आज हमारे मुख्यमंत्री आए होंगे और वहाँ पे झंडा फहराया जाता है, बढ़िया परेड होती है। मैं भी अगर हो रहा होगा अभी तो मैं दिखाऊंगा आपको और नहीं हो रहा होगा तो फिर आगे मस्जिद आपने देखना बनता है ना। चलो तो मिलता हूँ सीधे फिर परेड ग्राउंड में। तो गाइस यार इतना भयंकर ही जाम लगा है ना मतलब, और यहाँ से देखो जो परेड ग्राउंड से रास्ता जाता है वो पूरा डाइवर्ट किया हुआ है तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं जा पाया और घूम के आना पड़ा और वहाँ इतना भयंकर जाम लगा था। और ये है जी अपना गांधी पार्क, आप देहरादून से तो आपको पता ही होगा नहीं तो गांधी पार्क है और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर तो नहीं बट 500-600 मीटर आगे ही अपना क्लॉक टावर है वहीं से जाऊँगा मैं, वहाँ से जो बल्दपुर चौक जाऊँगा। और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया भयंकर क्योंकि ये जाम इतना भयंकर लगा था ना क्या बताऊँ आपको, भयंकर ही जाम लगा था। पार्किंग बीच रोड पे पार्किंग और जो है और सामने आपको दिख रहा होगा अपना क्लॉक टावर घंटाघर, तो यही है जी क्लॉक टावर अपना जून का। और भैया ये देखो बिना देखे जा रहे हैं, तब तुमने ठोक दिया तो भैया बोलेंगे भैया ठोक दिया, तो वे काम तुम्हारे अच्छे से ठोकेंगे नहीं, बताओ तुम बता दो। अरे देश की धरती, देश की धरती सो ये उगले हीरे मोती, तेरी देश की धरती। आज थोड़ा वैसे भीड़ कम है, मे भी मॉर्निंग है इसलिए कम होगी क्योंकि आज रिपब्लिक डे छुट्टी रहती है सबकी। तो गाइस अभी हम इंटर कर चुके हैं शीतला देवी टेम्पल के लिए और ऊपर है अभी थोड़ी चढ़ाई है दिखाते हुए, गेट 3-4 गेट आ गए हैं और ये देखो ऊपर चढ़ रहे हैं पूरा हर्ष भाई ऊपर खड़े हैं।
भगवान का और गाइस हम पहुंचने वाले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या मजा हो जा रहा है यार। ये तो अपना मंदिर पूरा, ये देखो, और हमने पूजा भी कर लिया। ये देखो मिठाई भी लग गई है और सभी लोग भी आ गए। अब नीचे को चलते हैं और एक जगह ढूंढते हैं नीचे कहीं पे, और वहाँ पे हम बैठेंगे, खाना खुना खाएंगे, मस्त करके एंजॉय करेंगे। तो इतना सीधा नीचे आते हैं तो आज का जो हमारा खाना है वो है जी आज सुरकंडा में, और यहाँ पे हमारे चिंटू भैया बैठे हैं। तो सर कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे बैठ के? बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मजा आ रहा है पूरा। मजा तो आ रहा है। और यहाँ पे हमारे देवस्थली की टीम बैठी है, और ऐसे हमने छिपा रखा है, किसी को नहीं बताया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे रखा चिंटू भैया और मैं खाएंगे। ये पार्टी शशांक के बर्थडे की पार्टी है, क्योंकि शशांक तो आया नहीं। शशांक हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। शशांक नाश्ते का, शशांक नाश्ते का, क्योंकि तो ये देखो हमारे खाना आज का, ये सारे घर का खाना है, एकदम बढ़िया। खट्टा डाल के ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, काफी टेस्टी है भाई। सबके घर से कुछ ना कुछ आया ये शशांक तो है।